लंबा कंटेंट नहीं देख पाते तो कोई बात नहीं, बी और बेस्ट क्लिप्स पे आप सब डिफरेंट पार्ट्स में बिंज वॉच कर पाओगे। अब लास्ट पॉइंट बट नॉट लीस्ट है आपका हेयर एंड बियर्ड। अब माना कि ये आउटफिट का पार्ट नहीं है, लेकिन आप ओवरऑल कितने अच्छे लग रहे हो उसमें ये भी मैटर करता है कि आपके हेयर एंड बियर्ड का स्टाइल कैसा है। अब फॉर एग्जांपल अगर आप थोड़ा सा मेंस वेयर टाइप का स्टाइल कर रहे हो, शर्ट्स वगैरह पहन रहे हो, तो आपका हेयर स्टाइल भी थोड़ा सा स्मार्ट कैजुअल टाइप होना चाहिए। जैसे कि आप साइड पार्ट कर सकते हो, जैसे कि अगर आपके बाल लंबे हैं तो आप मैन बन बना सकते हो क्लासी वाला। बियर्ड भी उसमें आपको एकदम स्ट्रक्चर्ड रखनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप मान लो आप स्ट्रीट स्टाइल कर रहे हो, ओवरसाइज टी शर्ट टाइप का कुछ पहन रहे हो, तो उसमें आप हेयर स्टाइल थोड़ा मेसी रख सकते हो वो कूल वाइब के लिए। या फिर मान लो आपका स्टाइल एकदम बेसिक है, आप प्लेन टी शर्ट प्लेन जीन्स वगैरह कुछ पहनते हो, तो वहां पे आप अपने बालों को थोड़ा सा क्विफ टाइप का हेयर स्टाइल में रख सकते हो और आपकी बियर्ड थोड़ी सी हल्की वाली स्टबल टाइप की रहेगी। एंड इन द एंड ये सारे पॉइंट्स अगर आप ढंग से सोचोगे समझोगे और नेक्स्ट टाइम आउटफिट बनाते हुए अपने दिमाग में ये नॉलेज रखोगे, तो आप बहुत आसानी से एक सुपर आउटफिट बना पाओगे। एंड आई प्रॉमिस यू नेक्स्ट टाइम जब आप आउटफिट बनाओगे आप कहोगे ब्रो मैं तो बहुत ही शानदार लग रहा हूँ, क्योंकि ये मैटर नहीं करता कि मैंने आपको 5 लिंक्स दे दिए और आपने उनसे शॉपिंग कर ली। मैं इस वीडियो में लिंक्स भी नहीं देने वाला आपको, आपको कोई चीज खरीदनी है तो मैं नीचे उन वीडियोस के लिंक्स दे दूंगा जहां पे मैंने सारे हॉल्स करे हुए हैं। लेकिन मेन चीज जो मैटर करती है वो है स्टाइल की नॉलेज। आपको मजा भी तो उसमें से ही आएगा। मैं आपको 2-3 लिंक्स दे दी, आपने वो खरीद लिया, उसमें आपको उतना मजा नहीं आएगा, लेकिन अब आपको समझ आ गई है चीजें तो आपका मजा डेफिनेटली इंक्रीज हो जाएगा आउटफिट बनाने का। एंड और भी फैशन को समझना है तो हमारी फैशन वाली प्लेलिस्ट जरूर देख लेना। तो सब्सक्राइब टू बी योर बेस्ट क्लिप्स एंड बी योर बेस्ट मेन चैनल।